जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको मैं बताने वाला हूँ, सावर मंत्र की साधना है और ये अधीठ नाशक मंत्र है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अधीठ क्या होता है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और साधना को पूरी बताने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छा सावर मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ और पूर्ण रूप से सही और पूर्ण विधि के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अधीठ का मतलब क्या होता है। अधीठ का मतलब होता है कि जो दिखाई न देने वाला हो, मतलब कि जो दिखाई ना दे अपनी आँखों से अपने ही शरीर पर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कमर पर या गर्दन के पीछे कोई एक फोड़ा निकल आता है, उसको ग्रामीण भाषा में अधीठ बोलते हैं। उस फोड़े को ग्रामीण भाषा में अधीठ बोलते हैं। और ये रोग भयंकर होता है, बहुत ही भयंकर होता है ये, और जानलेवा भी होता है। ठीक है, अब साइंस में तो मुझे पता नहीं इसका क्या नाम बोलते हैं, लेकिन इसको जो ग्रामीण भाषा में अधीठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अधीठ शब्द इसको बोलते हैं। और ये जानलेवा ही होता है, एक फोड़ा होता है। अब आप उसको कुछ भी मान सकते हो, आप उसको कैंसर भी मान सकते हो, फोड़ा भी मान सकते हो, अधीठ भी मान सकते हो वो, लेकिन ग्रामीण भाषा में इसको जो पहले बोला जाता था वो अधीठ के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और ये रोग ज़्यादातर जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है ना, मधुमेह रोग होता है, उनको ये रोग जो है बहुत ज़्यादा होता है, अधीठ वाला, वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और इस रोग की जो औषधि है ना, औषधि के साथ साथ साबर मंत्र का भी प्रयोग अगर किया जाए तो वो जो फोड़ा होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अधीठ की बीमारी खत्म हो जाती है। इसमें साबर मंत्रों में बहुत से ऐसे साबर मंत्र दिए हैं जो रोगों को ठीक करने वाले हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ और कैसे सिद्ध करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस मंत्र को आप ग्रहण काल में ही सिद्ध करेंगे बस। ठीक है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उनमें आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। केवल 1001 बार इस मंत्र को जाप कर लें, रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला से आपको ये जाप करना है। और इस मंत्र को 1001 बार आपको जाप करना है इसका, और उसके बाद फिर 21 मंत्रों से आपको आहुति देनी है। और जब आप ग्रहण में आप साधना करोगे तो आपको कोई दीपक वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक केवल आसन लगा ले नीचे कोई भी, और उस रुद्राक्ष की माला से केवल आपको जाप करना है, बस ओनली, और कुछ नहीं करना है। जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, अब कहेंगे कि आहुति कैसे, क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धू हैं जिनको ये नहीं पता कि आहुति कैसे देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि भैया, ऐसे ही उठा करके किसी भी मंत्र को जप ना करें। कई बार ऐसा होता है कि साबर मंत्र अगर आप जप भी कर रहे हैं, तो मैंने एक मंत्र आपको दिया है, गुरु सठ गुरु है वीर वाला, जो मंत्र की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उस मंत्र को जरूर आप पहले जाप करें, उसके बाद ही साबर मंत्र का आप जाप करें। वीडियो पूर्ण रूप से देखने के बाद ही किसी मंत्र का आप अनुष्ठान करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो आप कोई भी साबर मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र का आप जरूर आप जाप करें। तो 21 मंत्रों से आहुति, यानी कि थोड़ी सी सामग्री ले लें, अग्नि जला लें आम की लकड़ियों की, और उस पर एक बार मंत्र बोल करके एक आहुति छोड़ दें। इस तरह से 21 आहुतियाँ दे करके लास्ट में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। ये ग्रहण काल में होना चाहिए पूरा। और जब आपको आवश्यकता पड़े कि भाई आपके सामने कोई रोगी आ गया है ऐसा, तो उस रोगी को सामने बिठा लें और 7 बार इस मंत्र से झाड़ा आपको देना है, और जमीन की जो धूल होती है उस पर 7 बार मंत्र पढ़ के फोड़े के चारों तरफ, जो फोड़ा है उस फोड़े के चारों तरफ लगा दें। ठीक है, इस क्रिया को लगातार 7 दिन तक करना है आपको, लगातार 7 दिन तक करना है इसको, और आप देखोगे कि जो
रोगी के जो भयंकर फोड़ा होता है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी इस मंत्र के द्वारा। ये साबर मंत्र है, सिद्ध करने के बाद ही काम करेगा, ऐसे ही काम नहीं करेगा, ठीक है। और वीडियो पूरी देख लिया करो पहले, उसके बाद ही कोई साधना करें, ठीक। तो ये मैंने आपको इसका विधि बता दी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र कौन सा है। अब मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो सिर कटा नख फटा विष कटा अस्थि मेद मज्जगत फोड़ा फुंसी अधीट हुंबल रैल्याव रोग रीधन जाय 64 योगनी 52 वीर 56 भैरव रक्षा कीजे आय शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, ठीक है। ये मंत्र है। और देखो जब मैं मंत्र बताता हूं ना तो कई बार ऐसा होता है कि आ का डंडा लगा है, आय या आया शब्द एक ही है, बात एक ही है, तो उसमें ज्यादा आप कहते ना कि मीन में ज्यादा ना निकालें, उसमें जैसा मंत्र लिखा है वैसा ही जपें। तो ये मंत्र हो गया और मंत्र आपको वीडियो में ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको साधना बताई है और ये साधना करें और इस साधना में आप दूसरों का भला करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।